नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में छठे चरण के शिक्षक नियोजन के लिए तीसरे फीस की काउंसलिंग से पहले विवाद छिड़ गया है। बताते चले कि तीसरे चरण की काउंसलिंग में 32,714 शिक्षकों की बहाली होनी है। इसके लिए आवेदन 18 अगस्त से ही शुरू है और आवेदन की अंतिम तारीख 17 सितम्बर तक है, लेकिन इस नए शेड्यूल के आते ही बिहार में सीटेट पास अभ्यर्थी सक्रिय हो गए। सीटेट पास अभ्यर्थियों का हंगामेदार आंदोलन जारी है। ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने साल 2019 के दिसंबर महीने और जनवरी 2021 में सीटेट परीक्षा पास की थी। इनकी तादाद करीब 15,000 बताई जा रही है और इन सीटेट पास आंदोलनकारियों की मांग है कि छठे चरण के नियोजन की तीसरी काउंसलिंग में इनसे भी आवेदन लिए जाए और बहाल किए जाए। बिहार सरकार आखिर सीटेट अभ्यर्थी से आवेदन क्यों नहीं ले रही है? सीटेट अभ्यर्थियों की क्या क्या मांगे शामिल हैं और इतना उग्र आंदोलन वो क्यों कर रहे हैं? इन सब के पीछे की कहानी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बिहार में शिक्षक नियोजन की यह कहानी शुरू होती है साल 2015 से, जब आखिरी बार प्राथमिक शिक्षकों की बहाली हुई थी। उसके बाद 5 सालों तक कोई शिक्षक की बहाली नहीं हुई थी और आखिरकार अब जाकर साल 2021 में 94,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है। खैर, हम वापस 2015 की बात करते हैं। साल 2015 के बाद बिहार में बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा करवाने की मांग उठने लगी। काफी आंदोलनों के बाद साल 2017 में शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई, जिसके बाद छात्रों को रिजल्ट के लिए दोबारा 2018 में प्रदर्शन करना पड़ा, तब जाकर रिजल्ट आया। लेकिन अब बहाली भी तो निकलनी चाहिए थी। फिर क्या था, शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थियों ने 2019 में प्रदर्शन किया, तब जाकर जुलाई 2019 में बिहार सरकार द्वारा 94,000 शिक्षकों की बहाली का नोटिफिकेशन निकाला जाता है। इन सब के बाद विभिन्न जिले, प्रखंड और पंचायतों में खाली वैकेंसी को लेकर ऑफलाइन आवेदन मांगे गए। कई अभ्यर्थियों ने हजारों हजार खर्च कर कितने ही नियोजन इकाई में आवेदन भर दिए थे। इसके बाद मेधा सूची भी आई और नियुक्ति भी होनी थी कि शिक्षा विभाग ने सभी आवेदन को ऑनलाइन लेने का आदेश जारी कर दिया। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख सितंबर 2019 तक तय की गई थी, मगर यहां से ही अब तीन विवाद खड़े हुए। पहला, सीटेट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों की, दूसरा डीएलएड पास अभ्यर्थियों की और तीसरा नेत्रहीन अभ्यर्थियों के कोटे की। अब बात करते हैं इस बहाली में सीटेट पास अभ्यर्थियों के विवाद के बारे में। इन 94,000 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख सितंबर 2019 की थी, मगर सीटेट 2019 का रिजल्ट उस साल दिसंबर महीने में आया। लेकिन सीटेट पास अभ्यर्थी भी इस बहाली में शामिल करने की मांग उन्हें करने लगे। इस मामले में उन्होंने पटना हाई कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की, लेकिन सरकार ने डेडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि इन्हें अब शामिल नहीं किया जा सकता है, जिस पर पटना हाई कोर्ट ने भी सीटेट पास अभ्यर्थियों की मांग को खारिज कर दिया। साथ ही डीएलएड अभ्यर्थियों की याचिका को भी खारिज कर दिया गया था। हाल ही में 4 जुलाई 2021 को हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर फैसला करते हुए बिहार सरकार को इन रिक्त पदों पर बहाली करने का आदेश दे दिया था, जिसके बाद अब तक पहले और दूसरे चरण की काउंसलिंग पूरी हो गई है। अब विभाग ने तीसरे चरण के काउंसलिंग के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें 32,714 पदों पर आवेदन हो रहे हैं। इसमें सभी जरूरी अर्हता रखने वाले एसटीईटी 2011 पास अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं, लेकिन अब सीटेट 2019 और सीटेट 2021 पास अभ्यर्थी मांग करने लगे हैं कि उन्हें भी इस बहाली में शामिल किया जाए। इसे लेकर अभ्यर्थियों का संघ हजारों अभ्यर्थियों के साथ राजधानी पटना के विभिन्न जगहों पर आंदोलन कर रहे हैं। सचिवालय में आंदोलन के दौरान पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। सीटेट अभ्यर्थियों का कहना है कि दिसंबर 2019 और जनवरी 2021 में पास अभ्यर्थियों की संख्या 10 से 15,000 के करीब है, जबकि तीसरे चरण की काउंसिलिंग में करीब 40,000 से ज्यादा सीटें खाली होने की संभावना है, ऐसा सीटेट अभ्यर्थियों का कहना है। ऐसे में ये अभ्यर्थी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सीटों को जाए और इन्हें भी शामिल किया जाए। इस मामले में हाईकोर्ट का कहना था कि ये बहाली पुरानी है, इसलिए इसमें नए अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं लिए जा सकते हैं। आपको बताते चले कि बिहार में लंबे अरसे के बाद बहाली हो रही है। ऐसे में इतने सालों के दौरान राज्य की 72,000 सरकारी स्कूलों में अब तक कई पद भी रिक्त हो चुके हैं। एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि बिहार में 3 लाख शिक्षकों के पद खाली है। ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि अगर इतने पद खाली है तो शिक्षा विभाग के द्वारा नई बहालियां क्यों
नहीं लाई जा रही है। अभी की बहाली भी लगभग 5 सालों के बाद हो रही है। ऐसे में बिहार सरकार को शिक्षक पात्रता पास कर चुके अभ्यर्थियों के लिए कुछ सोचना होगा। खैर, सीटेट का आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस आंदोलन को शांत करने के लिए क्या कदम उठाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।